फ्रेंड्स, आप सबों को फिर से एक बार एआर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्लास टेंथ एक्सरसाइज 15 का ए टू जेड सेटिंग सीखने वाले हैं, ताकि आपको प्रायिकता के ऊपर दूसरा कोई अन्य वीडियो नहीं देखना पड़े। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और ताश को कार्ड्स बोलते हैं, और इसमें कुल पत्ता जो होता है 52 होता है, और इस 52 पत्ता को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, 26 और 26। 26 काला होता है या काला पान कहिए, और 26 लाल होता है या लाल पान कहिए। फिर इस 26 काला पत्ता को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, 13 हुकुम और 13 चीरी, और हुकुम को इंग्लिश में स्पेड्स कहते हैं और चीरी को इंग्लिश में क्लब्स कहते हैं। उसी तरह से लाल पत्ता या लाल पान को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है, जिसमें 13 पान होता है जिसे हर्ट्स इंग्लिश में कहते हैं, और 13 ईच जिसे इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। और ये प्रत्येक हुकुम, चीरी, पान और ईच, ये सभी में 13-13 पत्ते होते हैं। जैसा कि मैं एक हुकुम का 13 सीट बना के दिखाया हूँ, जैसे अंग्रेजी में एक को एक कहते हैं, उसी प्रकार से ताश में पहला पत्ता को एक्का बोला जाता है, उसके बाद दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंचा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा, दहला, उसके बाद बादशाह होता है जिसको राजा कहते हैं और इंग्लिश में इसे किंग कहते हैं, और राजा का कन्या को बेगम कहते हैं जिसे रानी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्वीन कहते हैं। और ये दोनों का सेवा सत्कार करने के लिए कोई ना चाहिए ना भाई, तो सेवा सत्कार करने के लिए नौकर होता है जिसे गुलाम कहते हैं, और इंग्लिश में सर्वेंट नहीं कह के इसको जैक कहते हैं। अब हम इन सभी के डिटेल्स के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि इसको हम बनाते कैसे हैं। ये आप उम्मीद करते हैं कि ये डिटेल्स समझ गए होंगे कि 52 पत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और कितना कितना भाग में बांटा जाता है। अब देखिए, तो आपका प्रश्न है, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छ या निकाला जाता है। यादृच्छ का मतलब हुआ बिना देखे हुए, उसे कहा जाता है यादृच्छ। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल रंग का बादशाह, अब देखिए लाल में अगर कहता कि पान का बादशाह, तो पान में सिर्फ एक बादशाह होता है, तो कुल पत्ता 52 होता, तो 1/52 होता, लेकिन कहा कि यहाँ पे नंबर एक में लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग में देखिए लाल जो है दो भाग बटा हुआ है, पान और ईट, तो एक इसमें बादशाह होगा और एक इसमें बादशाह होगा, तो कुल बादशाह कितना होगा, दो। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, लिखिए आंसर, और प्रायिकता होने को कहते हैं, प्रायिकता होने को कहते हैं पीई, और प्रायिकता नहीं होने को कहते हैं पीई नॉट। क्या कहते हैं? पीई के ऊपर डैश, प्रायिकता नहीं होने को कहते हैं पीई नॉट, पीई के ऊपर डॉट। यह हुआ प्रायिकता होने की सिंबल, यह हुआ प्रायिकता नहीं होने की। प्रायिकता नहीं होने पे ई के ऊपर रेकनिंग होता है, उसको कहा जाता है पीई नॉट। तो देखिए नंबर एक में करा लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग में बादशाह दो को, एक को पान में होगा, एक को ईच में होगा, दोनों में एक एक होगा, तो प्रायिकता होना इसका क्या होगा, पी ई से सूचित करते हैं, और एक इसमें बादशाह हुआ, एक इसमें, तो कितना हो गया, दो, और कुल कितना है 52। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, दो एक का दो, दो दूनी चार, और दो दूनी चार एक बच गया, एक पर दो 12, दो छके 12, मतलब क्या 1/26। अब दूसरा में फ्रेंड्स कहा कि एक तस्वीर वाला पत्ता, इस बार ये नहीं कहा कि हुकुम, चीरी, पान, ईट, ये डायरेक्ट कहा कि तस्वीर वाला पत्ता। तो भैया तीन गो हुकुम में तस्वीर वाला होता है, तीन गो चीरी में, तीन गो पान में, और तीन गो ईट में, तो तीन दूनी छह, तीन तीन, तीन चौके 12, तो कुल फेस कार्ड वाला पत्ता कई गो हो गया, पहले लिख लीजिए आंसर, ANS आंसर लिखिए। आंसर लिखने के बाद प्रायिकता होने की घटना को हम इससे सूचित करते हैं कि इसे, तो कितना होगा, तीन तीन छह, तीन नौ, तीन 12, यहाँ पे लिखेंगे 12, कुल पत्ता कितना है 52, तो लिखेंगे बटे में 52। अब काट दीजिए, चार किया 12, चार एक का चार, चार किया 12, तो क्या हो गया 3/13। अब फ्रेंड्स बात करेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो देखिये काला में नहीं कहा लाल रंग में तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, तो तीन गो इसमें होता है, तीन गो इसमें होता है, तो 6 गो होता है, कितना होगा 6 गो, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे आंसर, और लिखेंगे प्रायिकता होने को घटना को पी से सूचित करते हैं,
तो लाल यहाँ पे देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना है कुल, तो तीन गो इसमें छह गो, और कुल पत्ता कितना है 52, तो 52 लिखेंगे। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, दो तीया छह, दो दूनी चार, दो छा के 12, तो कितना हो गया बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं इसका यहाँ पे, तो 3/26 है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, कहा पान का गुलाम, इस बार ये नहीं कहा कि लाल का गुलाम, इस बार कहा पान का गुलाम। तो जैसे हुकुम में एक गुलाम होता है, उसी तरह से पान में गुलाम एक होता है। तो पान में यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद पी ई लिखेंगे, प्रायिकता होने की घटना को पी ई से सूचित किया जाता है। और पान का गुलाम, तो पान में एक गुलाम होता है, और कुल पत्ता कितना होता है 52, तो बटे में क्या लिखेंगे 52। अब देखिए फ्रेंड्स, हुकुम का पत्ता, हुकुम में देखिए कुल पत्ता कितना होता है, 10 तक तो अंक वाली पत्ता होता है, और 3 को फेस कार्ड वाला होता है, तो 10 3 है कितना हो गया 13। हल लिखिए, हल लिखने के बाद पी ई लिखिए, प्रायिकता होने की घटना को पी ई से सूचित करते हैं, और हुकुम का पत्ता में कितना होता है बराबर में 13 को होता है, और कुल पत्ता कितना है 52, तो लिखेंगे 52। अब काटिए 13 का 13 चौके 52 बराबर क्या 1/4। अब देखिए फ्रेंड्स, ईंट का बेगम, ईंट में कई गो बेगम होगा, जिस तरह से हुकुम में है एक बेगम है, तो ईंट में भी एक ही बेगम होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद प्रायिकता होने की घटना को पीई से सूचित करते हैं, तो क्या कहा ईंट, ईंट की बेगम, तो ईंट में बेगम कितना होगा एक गो बेगम होगा, एक लिखेंगे, कुल पता कितना है तो 52 है, तो 52 लिखेंगे। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये मेरी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनका डाउट्स क्लियर हो सके। इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।